वेलकम टू माय चैनल नक्श। आज मैं नितिन सिन्हा आपको वाटर कलर से ट्री कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पर एक A3 का कैनवस लेंगे या फिर आप हैंडमेड पेपर या फिर कोई भी पेपर आप ले सकते हैं और उस पेपर के ऊपर आप जिस एरिया में आपको ट्री या फिर आपको कोई भी जो आपके पिक्चर आपको ड्रॉ करने हैं आप उस पर पहले वाटर से थोड़ा सा उसे गीला कर लेंगे। वाटर से गीला करने के बाद उस एरिया के कैनवस पे हम पहले जो पानी का लेयरिंग कर लेते हैं तो पानी के लेयरिंग के बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्रोम येलो। क्रोम येलो एक्चुअली सबसे लाइट टोन होगा यहाँ पर क्योंकि इससे हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा सनलाइट किस साइड से आ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस ट्री में हम कम्प्लीटली 5 लेयरिंग्स या 5 टोन आप कह सकते हैं हम यहाँ पर यूज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं क्रोम येलो को वाटर के साथ धीरे धीरे फैलाते हुए इवन कि आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि उनके स्टेम के ऊपर भी जो सनलाइट के जो थोड़े से रे आएंगे उस पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इस क्रोम येलो के बाद हम यूज करना चाहेंगे सेकेंड टोन जो हम यहाँ देंगे वो येलो ऑकर का होगा। येलो ऑकर सेकेंड टोन येलो का ही एक शेड है जिसके जो परसेंटेज ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा ज्यादा होता है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि स्टेम के ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा येलो ऑकर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जो हमारा सेकेंड टोन है। वाटर के थोड़े से टच करते हुए टच के इफेक्ट को मैं लेते हुए अब यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किसी किसी जगह पर छोटे छोटे स्टेम्स सूखे हुए स्टेम्स भी बाहर निकले हुए होते हैं यहाँ पे तो वो कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से उस येलो ऑकर से स्टेम को सूखे हुए स्टेम्स यहाँ दिखा रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर टू टोन्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा 3 टोन। जो हम यहाँ पर कलर यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा सैप ग्रीन। सैप ग्रीन हमारा 3rd टोन है जो लीफ का एक्चुअल कलर होता है सैप ग्रीन होता है। सैप ग्रीन को जब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो सैप ग्रीन को लीफ के रूप में एज ए गुच्छा जो लीव्स के कुछ गुच्छे होते हैं बंच होता है उसके रूप में उसको हम अलग अलग जगह पे बनाना चालू करते हैं और वाटर थोड़ा सा लेते हुए उनके इफेक्ट को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से वो छोटे छोटे लीफ और छोटे छोटे स्टेम्स को इस पर मैं दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चल सके कि एक एक लीफ और जब दूर से वो दिखता है वो प्लांट वो ट्री वो किस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर हमारा जो 3rd टोन है जो सैप ग्रीन का टोन है उसे अब हम थोड़ा सा स्टेम जिसको आप कहते हैं तना वो उस पर हम अब यूज़ करना चालू करेंगे और अपने 3rd टोन को 3rd टोन्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ इवन कि हम यहाँ पे जो नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने 3rd टोन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और छोटे छोटे स्टेम्स को भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं जैसा कि
पानी के इफेक्ट्स को और जो बेस में हमारा ऑलरेडी वाटर हमने यूज़ किया था उसे टच करते हुए लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन को मिलाते हुए हमने लीफ के गुच्छों को यहाँ पर तैयार किया है। यहाँ पर आप एक चीज और भी गौर कर सकते हैं, यहाँ जो कॉम्बिनेशन है येलो का, येलो ऑकर का, ग्रीन का, जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी चारों ओर से या फिर किसी साइड से आ रहा है तो किस तरीके से हल्के हल्के किस किस जगह पर अंदर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर वो अपना फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन क्रिएट हो रहा है। अब मैं आपको अपने फोर्थ टोन की तरफ लेके चलता हूँ, जो कलर है हमारा पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू एक्चुअली खुद में बहुत ही खूबसूरत ब्लू, अच्छा ब्लू माना जाता है, और ये हमारा फोर्थ टोन होगा यहाँ पर, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत माइन्यूट, मतलब कि सनलाइट पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होते हैं, और प्लस दूसरे लीव्स के जो शेडो होते हैं उसके, दूसरे लीव्स के ऊपर शेडो उसके आ जाते हैं, तब वो कलर सैप ग्रीन का जो सबसे डार्क टोन होगा उसको हम यहाँ पर पर्शियन ब्लू से कंप्लीट करते हैं। और ये आपको एक चीज़ आपको दिखेगा यहाँ से कि एक अलग अलग तरह का गुच्छा सा रेडी होता जा रहा है, एक अलग अलग मतलब फैमिली के जैसा कि एक स्टेम से इतना निकला, एक स्टेम से इतना निकला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये फोर्थ टोन अब हम इनके जो बेस का जो लॉग है, जो स्टेम है, उसके ऊपर हम कर रहे हैं। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पर्शियन ब्लू का जो फोर्थ टोन है उसके टोन से मैं लेके, अब जैसे सपोज मैंने जो उनके तने हैं, जो उसके स्टेम है जो नीचे का, उस पर इसका उपयोग हमने कुछ ऐसा किया है कि जो जॉइंट्स हैं या वहाँ से वो डैमेजेस हैं या जॉइंट्स के लॉक वहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं, तो उस पर्शियन ब्लू से इसके शेड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ हमारा जो फोर्थ टोन है, जो फोर्थ लेयर है, वो फिनिश होता है, और इसके बाद हमारा फिफ्थ टोन, जो फिफ्थ लेयर है, वो हमारा स्टार्ट होता है, और वो कलर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रंड साइना, जो ब्राउन कलर का एक शेड है, और उसे हम अप्लाई करेंगे इनके स्टेम्स के ऊपर, और थोड़ा सा पानी लेके, हम एक्चुअली आपको बताना चाहेंगे कि पानी लेके थोड़े से उसको हम लोग उसके लेयरिंग्स करेंगे, उसे फैलाएंगे वाटर यूज़ करते हुए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके वाटर के टोन्स को लेके हम यहाँ पुल करेंगे कलर को और स्टेम्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ ब्रंड साइना का जो लेयरिंग है वो खुद में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लकड़ियों के टुकड़े होते हैं और छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं जो पेड़ के बीच में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, लाइक पेड़ में कहीं किसी किसी जगह पे से वो क्रॉस किए हुए हैं, तो उन चीज़ों पे भी आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेस में भी हमने यहाँ पर ब्रंट साइना को मिट्टी के कलर को देते हुए उसे थोड़ा वाटर से थोड़ा सा लेयरिंग कर लिया है और उसके ग्राउंड को भी तैयार कर लिया है। अब इस जगह पर ब्राउन मीन्स जो ब्रांड साइना कलर है हमारा उसका यूज़ करते हुए हम छोटे छोटे स्टेम्स को बनाएंगे जो पेड़ के जो पत्तों के बीच में आते हैं। और कुछ सूखे हुए पत्ते जो होते हैं उनके भी शेड्स को हम इससे इस ब्राउन मीन्स ब्रंट साइना से दिखा सकते हैं। अब हमारा टोटल 5 लेयर्स यहाँ पर यूज़ हो चुका है। तो एक बार मैं फिर से आपको मैं बता दूँ कि पहला कलर जो है वो है क्रोम येलो, दूसरा कलर है वो है हमारा येलो ऑकर, और जो तीसरा कलर है वो हमारा सैप ग्रीन है, और जो चौथा कलर है वो हमारा पर्शियन ब्लू है, और जो सबसे पांचवा कलर है वो है ब्रंट साइना ब्राउन। अब यहाँ पर हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट होने जा रहा है और वाटर के माध्यम से उसके लेयरिंग को थोड़ा सा हम यहाँ पर शेड्स इनके डाल रहे हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अब हमारे ये टोटल 5 लेयर्स हमने यहाँ यूज़ किया है और हमारा ट्री जो है अब वो रेडी होने वाला है। अब ये ट्री आपके सामने रेडी है, आप देख सकते हैं।